इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल गई। बता दें एमई एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुना दी है, जिसके बाद ये फैसला आया है और अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य के अंत पर मुहर लगा दी गई है। और साथ ही कोर्ट ने 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में अपना ये फैसला सुना दिया और अतीक अहमद और उसके वकील दोषी पाए गए। साथ ही अतीक को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 119 मुकदमों में यह माफिया अतीक अहमद की पहली सजा है। और अतीक के भाई अशरफ अहमद पर भी 52 मुकदमे दर्ज थे और इस केस में दो आरोपी कोर्ट आसिक और एजाज अख्तर में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। और बता दें कि इस मामले में अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया और अतीक का सुटर फरहान और दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया गया।